2024 में विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सारे एक साथ मिल जाएंगे तब भी जनता इनका साथ देने को तैयार नहीं है। बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80, एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिलाकर के 120 हो जाता है। देश में 350 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है। और मैं कई राज्यों में जाता हूं, मैं चारों तरफ एक बात ही देख रहा हूं, किसी के मन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर लोकसभा क्षेत्र बस्ती में हमारे सांसद हरीश जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे खन्ना जी, कई सब वरिष्ठ नेतागण आए, आपने सबको सुना है, सबके साथ हर लोकसभा में इस प्रकार की जनसभाओं का इस भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोगों का आना यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता तो अपना पसीना बहा ही रहा है लेकिन जनता भी मोदी जी के लिए अपना पसीना बहा रही है। सपा गुंडों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी। एक सवाल सुन लेते हैं, अरे यार एक सवाल कर रहे हैं। एनडीए के तर्ज पर पीडीए बना रहा हूँ। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली बात। कानून पे आप भी फेल हैं, लगातार जो है कोर्ट में गोलियां चल रही हैं, अब तो कोर्ट के रूम में गोली चल रही है, जहां पर भी गोली चल रही है उसकी जांच हो रही है, जो अपराधी वो पकड़ लिए गए हैं, जांच करके उसके पीछे कौन है पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, शिवपाल यादव ने ट्यूबवेल बंद है, ट्यूबवेल में बिजली नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, किनके वहाँ सैफई में नहीं है क्या, बाकी चीज नहीं, कहाँ नहीं, सैफई में नहीं, बस्ती में नहीं, आप चिंता मत करो, कोई विरोध, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भी बहुत लोग विरोध करते थे लेकिन हमारे 3 मुद्दे थे, जम्मू कश्मीर से धारा 370, अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और सामान्य नागरिक संहिता।